हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डेली करंट अफेयर के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे तथा उनके जवाब भी बताएंगे। दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौर पर जाने वाली है? तो दोस्तों पाकिस्तान देश के दौर पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल बाद जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत परियोजना को अंतिम रूप में देने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो दोस्तों वह शहर सूरत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों को एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह देश है जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है? तो दोस्तों भारतीय के 4 शहरों को जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया है? तो दोस्तों गोवा के साहित्यकार, राज्यपाल और बीजेपी नेता मृदुला का 18 नवंबर को निधन हो गया है। क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने निम्न में से कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों 12 देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह नीदरलैंड देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनसुकिया जहां ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है। अंतिम प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट में देना है।